स्वागत है आपका टिक टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा। इस समय बात करेंगे आप सीरियल भाग्य लक्ष्मी की, जहां भाग्य लक्ष्मी में होने वाला है यहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा। जैसा आप सभी ने यहाँ पे देखा होगा कि कैसे यहाँ पर जो है वो पारो अब ऋषि के गले लग, अब यहाँ उसको किस देती है और इधर यहाँ पे ये कहती है कि आप दुनिया की सबसे बेस्ट डैड है। यहाँ पर ये बातें सुनने के बाद तो यहाँ पर मलिष्का काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और वो यहाँ पे गुस्से में सारा सामान फेंक अब यहाँ पे जाती हुई नजर आती है। ये मंजर अब यहाँ पे देखती है यहाँ पे करिश्मा अब यहाँ पे मलिष्का से बात करती हुई नजर आएगी, जब वो कहेगी कि आखिरकार क्या हुआ जो तुम इतनी ज्यादा परेशान हो या फिर यहाँ पर जो है वो इतनी गुस्से में हो। जहाँ पे वो कहेगी कि उस पारो की वजह से यहाँ आखिरकार वो अपने आप को समझती क्या है तो वो बच्ची, लेकिन यहाँ पर जो है वो बातें बड़ी बड़ी करती है और उसी की वजह से आज यहाँ पर ऋषि और लक्ष्मी दोनों अब एक हो सकते हैं। ये बात है होने के बाद तो अब यहाँ पर जो चीजें है वो बदलती हुई नजर आएगी। शो का जो ट्विस्ट है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग अब होता हुआ नजर आएगा। खैर कहानी में यहाँ पे नया मोड़ अब आता हुआ नजर आएगा और एक के बाद एक पलटेगी शो की कहानी। सबसे पहले तो अब यहाँ पर जो है वो आयुष को सच पता चलेगा और शालू यहाँ पे आयुष को सारा सच बताती हुई नजर आएगी। वो ये कहते हुए नजर आएगी कि ये सब कुछ जिसने किया है वो यहाँ पर जो है वो मलिष्का है। यहाँ पे लक्ष्मी दी ने यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दी थी और यहाँ पर एक जो है वो लड़का था एक लड़की। आयुष के यहाँ पे कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे और आयुष अब यहाँ पे पूछता हुआ नजर आएगा कि आखिरकार यहाँ पे क्या बड़ी वजह है, यहाँ पर जो है वो कहाँ गया बच्चा, आखिरकार कहाँ है वो, जहाँ पर जो है वो बताएगा बात और इधर यहाँ पर जो है वो खुलती हुई नजर आएगी एक एक गुत्थे। शालू बता देगी सारा सच की लक्ष्मी दी ने यहाँ पे 2 बच्चों को जन्म दिया था जिसमें से एक पारो है और उस वक्त यहाँ पे दंगों में यहाँ जो है वो जो उनका बच्चा है वो बिछड़ गया था। आखिरकार वो बच्चा कहाँ है कहाँ नहीं है ये बात अब यहाँ पे लक्ष्मी को नहीं पता है, ना ही यहाँ पर किसी को पता है। दीने यहाँ पे काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन यहाँ पर जो है वो ढूंढ नहीं पाई थी। ये बात अब होने के बाद तो यहाँ पे आयुष काफी ज्यादा परेशान अब हो गया है, जहाँ आयुष ने अब ठान लिया है कि अब वो जो कुछ भी करेगा वो अब यहाँ पर ऋषि और लक्ष्मी दोनों को एक करवाने के लिए करता हुआ नजर आएगा। इन सब के बीच में अब होगा यहाँ पर नया ड्रामा, साथ ही साथ अब यहाँ पर चीजें अब बदलती हुई नजर आएगी, जहाँ इस सच को लेकर के अब वो यहाँ पर ऋषि को ढूंढेगा लेकिन ऋषि के साथ साथ वो पारो को भी ढूंढेगा। जहाँ पारो अब यहाँ पे कहीं नहीं दिख रही होगी, सभी लोग अब यहाँ पे पार्टी में बिजी है लेकिन यहाँ पे पारो का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। अब ऐसे में यहाँ पर जो है भागा भागा अब आएगा यहाँ पे आयुष और वो यहाँ पे बताएगा कि पारो जो है वो बोरवेल में गिर चुकी है। अब यहाँ पर जो है वो अब लक्ष्मी और यहाँ नीलम सभी लोग भगते हुए नजर आएंगे। जहाँ ये कहा जा रहा है कि हो ना हो यहाँ पे सारी चाल यहाँ पे मलिष्का की अब हो सकती है या तो खुद यहाँ पे नीलम की, क्योंकि नीलम इतनी मीठी मीठी बातें कर रही है और एकदम से यहाँ पे बदल गई है, ये किसी को नहीं कोई आइडिया था। बाकी क्या हुआ है शो में आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। सीरियल भाग्य लक्ष्मी का आने वाला ट्रैक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अब होता हुआ नजर आएगा, जहां कहानी में बने वाला है यहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हाँ गाइज, अब यहाँ पर अब होंगे अब बड़े हंगामे शुरू और उसके बाद अब यहाँ खुलने वाले हैं कई सारे राज। तो फिलहाल के लिए अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अब जो कुछ भी अब होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पर धमाकेदार अब होता हुआ नजर अब आएगा। फिलहाल के लिए अब यहाँ पर जो है वो चीज़ें पलटेगी, उसके बाद अब होगा यहाँ पर कई सारे ड्रामे शुरू, क्योंकि अब यहाँ पर जो है वो पारो और रोहन दोनों को पता चल चुका है कि जो यहाँ पर जो है वो उन्हें प्राइस देने के लिए जो अंकल लेकर के आए थे वो असल में वो गुंडे हैं और वो बच्चे चोर हैं, मतलब कि वो बच्चों को किडनैप करते हैं और अलग अलग देशों में अब भेज देते हैं। जहाँ अलग अलग देशों में भेजने के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब वो यहाँ पर परेशान अब हो जाएंगे। जहाँ पारो अब यहाँ पे कहेगी कि भाई हम तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, ये सब कुछ अब यहाँ पर जो है वो एक जाल था, यानी कि हम लोगों को इन गंदों अंकल ने फंसाया है। जहाँ इन गंदों अंकल के पास अब जाते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर पारो जो है वो काफ़ी सारी बातें अब कहने वाली है। जहाँ शो का जो ट्विस्ट है यहाँ पे पलटेगा और एक के बाद एक कहानी में बातें हुए नजर आएंगे, यहाँ पर काफ़ी सारे नए राज। फिलहाल के लिए अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर जो कुछ भी अब होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की वजह से अब होता हुआ नजर आएगा। मतलब बात साफ है कि अब यहाँ पर जो पारो है और जो रोहन है वो यहाँ पर जो है वो बड़ी बहादुरी से काम लेते हुए नजर आएंगे और इन बच्चों की भी जान बचाएंगे, साथ ही साथ अब यहाँ पर खुद की भी जान बचाने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो है ये बच्चे ही अब यहाँ पर अब हिम्मत दिखाएंगे। फिलहाल अब यहाँ पर ऋषि लक्ष्मी इन दोनों को पता चल चुका है कि बच्चे घर से गायब हैं, राहुल और पारो दोनों नहीं आए घर से और दोनों पैसे लेकर के अब यहाँ पर कहीं गए हैं, जहाँ पर पैसे चुराए हैं। और यहाँ पर लक्ष्मी जो है वो जाती है अकेली बच्चों को ढूंढने के लिए, तो वहीं पर ऋषि आकर के रोक लेता है। जहाँ ऋषि ये कहता है कि तुम अकेली नहीं जाओगी, तुम यहाँ पर जो है वो यहीं रहोगे। यहाँ पर जो है आयुष अब देखता है तो आयुष लक्ष्मी को देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, जहाँ इमोशनल होकर के अब वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान हो जाएगा। तो जो शो का जो ट्विस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अब होने वाला है, जहाँ एक के बाद एक अब यहाँ पर होने वाले हैं अब यहाँ काफ़ी सारे अब हंगामे। तो यहाँ पर जो है वो चीज़ें पलटेगी, उसके बाद अब होने वाला है अब यहाँ पर काफ़ी सारा नया ड्रामा। फिलहाल के लिए अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये दोनों अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, ये दोनों अब यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें अब करते हुए नजर आएंगे। मतलब बात साफ है कि अब आने वाला जो शो का ट्विस्ट है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अब होता हुआ नजर आएगा और एक के बाद एक अब यहाँ पे काफ़ी सारे अब हंगामे देखने को मिलते हुए नजर अब आएंगे। मतलब कि अब यहाँ पर जो लक्ष्मी है वो अब ऋषि की बात नहीं मानेगी, क्योंकि इन गुंडों ने तो वैसे ही यहाँ पर पैसों की डिमांड कर दी है, लेकिन ये गुंडे तो यहाँ पर जो है पैसे भी ले लेंगे और बच्चों को भी नहीं देंगे, क्योंकि वो बड़ी बच्चों की तस्करी करते हैं और यहाँ पर जो है वो सप्लाई करते हैं अलग अलग देशों में, जहाँ वो अपने फ़ायदे के लिए अब इन बच्चों का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन भाई लक्ष्मी और ऋषि ही एक ऐसे माँ बाप है जो अपने बच्चों के साथ साथ अब सभी बच्चों की जान बचाने वाले हैं। जहाँ सभी बच्चों की जान बचाएंगे उसके बाद अब यहाँ पे करेंगे अब यहाँ पे ड्रामा शुरू, जहाँ एक के बाद एक अब यहाँ पे खुलेंगे कई सारे राज, जहाँ इन्हीं बच्चों के साथ साथ अब यहाँ पे लक्ष्मी मलिश्का भी अब यहाँ हाथ मिला लेगी, जहाँ मलिश्का कहेगी कि सभी बच्चों को तुम छोड़ देना, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ एक बच्ची नहीं बचनी चाहिए और वो है यहाँ पर पारो। यानी कि पारो को यहाँ पर जानबूझ करके फंसवाएगी यहाँ पर मलिश्का और वो यहाँ पे करने वाली है ड्रामा शुरू, जहाँ पे मलिश्का को ये लगता है कि गुंडे अब यहाँ पे पारो को नुकसान पहुँचा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो कुछ भी होगा ड्रामा वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को लेकर के होने वाला है। तो शो के ट्विस्ट में यहाँ पे क्या होगा, कैसे पलटेगी पूरी कहानी, क्या कुछ अब होगा यहाँ पर ड्रामा, क्योंकि अब यहाँ पे पारो को जब ये गुंडा ले जाएगा तो लक्ष्मी यहाँ पर जो है वो तड़प तड़पती मर जाएगी। मतलब कि वो यहाँ पे अपने पारो को ढूंढते हुए नजर आ पाएंगे, हर जगह ढूंढ लेगी लेकिन पारो का कुछ अता पता नहीं चलेगा। लेकिन दूर से खड़ी यहाँ पे मलिश्का काफ़ी ज़्यादा परेशान अब होने वाली है। तो फिलहाल अब यहाँ पर चीज़ें पलटेगी, उसके बाद अब होने वाला है यहाँ पे ड्रामा शुरू और एक के बाद एक अब होते हुए नजर आ पाएंगे यहाँ पर काफ़ी सारे अब हंगामे। तो जो शो का जो ट्विस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अब इंटरेस्टिंग अब होता हुआ नजर आएगा और एक के बाद एक अब यहाँ पर होने वाले हैं अब हंगामे, जहाँ इन्हीं हंगामों को लेकर के अब होने वाला है अब ये ड्रामा, जहाँ इन ड्रामों को लेकर के क्या होगा, कैसे पलटेगी अब ये पूरी कहानी, क्योंकि अब आने वाले शो के ट्विस्ट में अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अब यहाँ पे पलटते हुए नजर आएंगे। तो क्या होने वाला है गाइस, कैसे अब यहाँ पे पता चलेगी सारी सच्चाई, क्या कुछ अब होने वाला है यहाँ पे ड्रामा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो देखा गाइस आपने यहाँ पर जो चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पारो को लेकर के नहीं बल्कि यहाँ पे लक्ष्मी को लेकर के भी है, जहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि जो लक्ष्मी है वो अपने पारो का सच तो बता देगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बाहर आना बेहद जरूरी है। जहाँ पर जो है वो पारो अब यहाँ पे बेहोश अब है और वो यहाँ पर कैसे बाहर निकलेगी, जहाँ ऋषि अब यहाँ पे पूरी मेहनत करेगा और पूरी ताकत लगाता हुआ नजर आएगा अपनी बेटी को बचाने के लिए। यहाँ पर जो वो पहले भी अब यहाँ पे लक्ष्मी से कह चुका है कि तुमने यहाँ पर जो है वो यहाँ पे पारो को बहुत अच्छी परवरिश दी है, आई एम प्राउड ऑफ यू, यहाँ पर लक्ष्मी को ये कहता हुआ नजर आएगा। ये बातें सुनने के बाद तो लक्ष्मी काफी ज्यादा खुश है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे मलिश्का खुश नहीं होगी, जब मलिश्का का ये कहना है कि यहाँ पर जो है मैं इन दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगे, ये दोनों अगर एक होना चाहेंगे मैं तो भी यहाँ पर जो है वो इन दोनों को नहीं होने दूंगे, अब मैं यहाँ पे खेल ऐसा खेलूंगी जिसकी वजह से ये दोनों खुद अब यहाँ पे अलग होते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद यहाँ पे बदलेगी शो की सारी कहानी, क्या होने वाला है शो के ट्रैक पे अब यहाँ पे नीलम का हाल, क्योंकि नीलम अब यहाँ पे लक्ष्मी को एक्सेप्ट करने वाली थी अब यहाँ पे बहू के रूप में, लेकिन उससे पहले ही अब यहाँ पे बड़ा अब हादसा होता हुआ दिखाई दिया है। अब इसी हादसे को लेकर के तो अब होगा यहाँ पे नया धमाका, शो के ट्रैक में क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ऐसे ही मोर अपडेट्स जानने के लिए टिक टीवी को फॉलो जरूर करें।